स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, गति के समीकरण के बारे में। ठीक है, अब तक हम दो समीकरण पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को हमने डिराइव किया था ग्राफिकल मेथड को यूज करके। आज हम अपना थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे, और हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इस इक्वेशन में आपको क्या दे रखा है, वस्तु का वेग, मतलब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, अंतिम वेग भी है और प्रारंभिक वेग भी है, और साथ में यहाँ पर क्या है, दूरी भी है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, या मैं कहूँ पोजिशन भी है। तो ये जो आपकी थर्ड इक्वेशन है मोशन की, ये स्थिति और वेग के बीच में संबंध बताती है, पोजिशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम इस इक्वेशन की डेरिवेशन। तो ये क्या है, हमारे ग्राफ एक्स एक्सिस पे हमने लिया है समय को, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है वेग को। एक ऑब्जेक्ट है ए, जिसका इनिशियल वेलोसिटी है यू, वो यहां से स्टार्ट करता है और टी टाइम के बाद वो एक पॉइंट पर पहुंचता है, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी, और वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी। और यहां से यहां तक जाने में इस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई। ऐसा इसीलिए, ये इमेजिनरी लाइन हमने इसलिए ड्रॉ की क्योंकि वेलोसिटी को हम हमेशा किस पे शो करेंगे, वाई एक्सिस पे शो करेंगे। ठीक है, तो ई पॉइंट भी आपका किसको शो करता है, फाइनल वेलोसिटी बी को शो करता है। अब देखो कि ऑब्जेक्ट जब शुरू में गया तो इसका प्रारंभिक वेग क्या था, यू। ग्राफ के द्वारा अगर हम देखें तो ओए किसको शो करता है, उसके प्रारंभिक वेग को दर्शाता है। उसके बाद है अंतिम वेग, जो अंतिम वेग है वी, ये किससे शो होता है, ओए से। ओए आपका किसके इक्वल है, बीडी के इक्वल है। ठीक है, और जो आपका ओए और बीडी है ये क्या है, आपका वी। उसके बाद बात करते हैं समय की, तो समय कितना लगा इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने में, ओडी समय लगा है, और ओडी आपको किसके बराबर है, टी के बराबर है। अब देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो एक ग्राफ है, इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का अगर हम एरिया निकाल दें तो ये एरिया हमें ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट, या मैं ये कहूं उसके विस्थापन के बारे में बताएगा कि उस वस्तु ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। अब देखो, जो विस्थापन है ये किसकी इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इसका ए ओ डी बी, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना विस्थापन किया है। तो ये एक्चुअल में हमारी क्या है, समलंब, ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और टू साइड्स जो है वो पैरेलल नहीं होती। इसमें आप देखोगे आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और ये दोनों साइड आपकी नॉन पैरेलल है। तो ट्रेपीजियम ए ओ डी बी का क्षेत्रफल, अब इसका विस्थापन को आप किससे शो करते हो, ऐसे शो करते हो। ठीक है, इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई हाइट, दैट मींस ऊंचाई। और ऊंचाई क्या होती है, जो ये दो पैरेलल साइड्स हैं इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो ट्रेपीजियम की क्या होती है, हाइट, इनटू ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ पर क्या है, ट्रेपीजियम की दो अपोजिट पैरेलल साइड्स, मतलब ए भी यहाँ पर क्या शो करता है, इस समलंब की दो समानांतर भुजाएं। अब देखो s इक्वल टू हाफ इनटू, जो ये h है, इस ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड्स ही हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका हाइट होता है, तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, od, इनटू a प्लस बी। मैंने आपको अभी बताया ये आपकी पैरेलल साइड है ट्रेपीजियम की, तो इसमें ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड क्या है, bd और ao, तो हम लिख देंगे bd प्लस ao। तो s आपका किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, od आपका क्या है, इसमें देखो t, इनटू bd आपका क्या है, v प्लस ao आपका क्या है, u। अब ये हमारी आ गई इक्वेशन वन,
कल हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी या कल परसों की हम बात कर लेते हैं, आपने पढ़ा था जो एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण होता है, वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आ जाता है at, और v माइनस यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका v माइनस यू ही रहेगा। हमें यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई में है, इसको इक्वल टू की उस तरफ लेके जाओगे तो एक्सेलरेशन किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका टाइम कितना आ गया v माइनस यू अपॉन ए। अब इस इक्वेशन को आपको इस इक्वेशन में रखना है, यहाँ पर जो ये t है, इस t की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए। देखो s इक्वल टू हाफ, t की जगह हमने वो लिख लिया v माइनस यू अपॉन में a मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्या है v प्लस यू। अब एक चीज ध्यान देना, आपने मैथ्स में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये आपका किसको इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, v माइनस यू है और b प्लस यू है, तो इस इक्वेशन को देखो आप कैसे लिख सकते हो, इसको यहां से मैं रब कर देती हूँ, s इक्वल टू हाफ इंटू v माइनस यू v प्लस यू, तो इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और नीचे क्या है ऑलरेडी a है ही। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, s की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 2a से, और उधर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त भी इसकी मल्टीप्लीकेशन 1 से होती है तो सेम ये एज इट इज यही रहेगा, तो 2a को s से मल्टीप्लाई करोगे 2as इट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, मोशन की थर्ड इक्वेशन यहाँ पर डिराइव हो जाती है, जो कि आपका स्थिति और वेग के बीच में संबंध बताती है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, मोशन की तीन इक्वेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, इन फॉर्मूलाज को याद कर लेना ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए ताकि हम इनको अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।